नव निर्वाचित विधायक लक्ष्मण सिंह ने कृषि उपज मंडी में आभार सभा का आयोजन किया, क्षेत्रीय जनता का आभार व्यक्त किया। आभार सभा में बड़ी संख्या में जनता ने भाग लेकर अपनी समस्याओं के प्रार्थना पत्र लक्ष्मण सिंह को सौंपे। इस मौके पर विधायक महोदय ने कहा कि कांग्रेस व बीजेपी में यही अंतर है कि वो कहते हैं और हम करके दिखाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वचन दिया था, मगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ जी ने 24 घंटे में ही किसानों का कर्ज माफ कर दिया। आभार सभा में ऐसे कई चेहरे भी देखे गए जो बीजेपी व मोदी जी का गुणगान करते नहीं थकते थे। जो काम हुआ हम से और बन के पहुंचेंगे और राजा साहब से हाथ जोड़ के मिला के लाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव में वायदे किए हैं, अगले दिन ही सरकार बनने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दिया है और एक एक करके वो सब वादे पूरे करेंगे जो हमने हमारे वचन पत्र में दिए हैं। यही फर्क है दोनों पार्टियों में और दूसरी पार्टियों में। हम जो कहते हैं वो करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने कहा मैं परिक्रमा करूंगा पैदल 6 महीने। बहुत लोगों ने कहा साहब गाड़ी में बैठ जाइए, घोड़े पे बैठ जाइए, कहीं बैठ जाइए, बहुत थक जाएंगे, लेकिन पूरी परिक्रमा करी। ऐसे ही हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, 24 घंटे के अंदर ऑर्डर हो गया। मेरी समझ में नहीं आता कि ये पार्टी भाजपा जनता को धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर क्यों बांटती है। अरे हम सब धर्म का सम्मान करते हैं और सब समाज का सम्मान करते हैं। पिछले 5-7 साल से यही चल रहा था कि ये हमारा है, ये हमारा नहीं है। चाचौड़ा से ग्राउंड रिपोर्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट।